नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे अगर आपके घर में प्यारा सा बेबी है या बेबी आया है प्यारा सा, तो आप उसका नाम रखेंगे और वो नाम कहाँ से पाएं, वो नाम कहाँ से लाएं। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आप नाम को कहाँ से सर्च कर सकेंगे। बेबी का नाम गर्ल हो या बॉय हो, तो आप कहाँ से इस नाम को सर्च कर सकते हैं अच्छे अच्छे नाम। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं, तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको नाम कहाँ से सिलेक्शन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसे आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस करें सब्सक्राइब बटन और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाइए, और ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले अपना मोबाइल पे जाइए और वहाँ पर गूगल ओपन कर लें। उसके बाद आपको सर्च में लिखना है A to Z। सर्च में आप A to Z बेबी नेम लिख के आप सर्च कर दें। देखिए सबसे ऊपर लिंक में आएगा आपका इंडियन बेबी नेम लिखा हुआ, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ऑल इंडियन, आसामी, बंगाली, गुजराती, आपका सारा, आपको जो डिटेल्स आपको चेक करना है। यहाँ पर देखिए हिंदू, कनाडा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, आपको जिसका जिस अनुसार से आपको नाम सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लें। जो भी आपको है, मराठी, उड़िया, आपका सारा यहाँ पर दिया गया है, आपको जैसे नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आके आप देखिए यहाँ पर बॉय या गर्ल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए हम बॉय सेलेक्ट करते हैं पहले। यहाँ पर देखिए A to Z, ए से आपका जेड तक दिखाया जा रहा है, आपको जिस अक्षर से आपको नाम चाहिए वो सिलेक्ट कर लें। चलिए ये हम चुनते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो देखिए नीचे यहाँ पर सारा नाम आपको दिखाएगा, ए अक्षर से जितना नाम है आप देख सकते हैं। फिर सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शंस नेक्स्ट पेज जाने के लिए। देखिए यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है, जिसमें आप अगले पेज पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारा पेज दिया गया है, तो आप सभी पेज में जाकर आप चेक कर सकते हैं और भी नाम आप चेक कर सकते हैं इसमें। उसी तरह से गर्ल का नाम हम सेलेक्ट करते हैं और कोई भी एक अक्षर ले लेते हैं जिससे हमको गर्ल का नाम सेलेक्ट करना है। फिर हमको नीचे सर्च पे जाना है और आपका नाम पूरा टोटल दिखाएगा, और सबसे नीचे आपको नेक्स्ट पेज में जाने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप नाम चेक कर सकते हैं और अपने बेबी के लिए अच्छा नाम सर्च करके रख सकते हैं। कर सकते हैं और अपने बेबी के लिए अच्छा नाम
सर्च करके रख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी तरह के वीडियो मिलते रहेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू।